आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एलटी फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसको कि एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर हो सकता है आप दावत के नाम से जानते होंगे, क्योंकि ये मार्केट में दावत के नाम से ही लिस्टेड है, जो कि एलटी फूड्स का एक वेल नोन ब्रांड है। तो आज के इस एपिसोड में एलटी फूड्स को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि अभी ये 70 रुपये के आसपास पे ट्रेड हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये एक वैल्यूएशन प्रोस्पेक्टिव से, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडियल बाइंग लग रहा है, एक फेवरेबल बाइंग लग रहा है इस प्राइस पे। आखिर क्यों फेवरेबल बाइंग लग रहा है, इस चीज को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल व्यू को भी जानने की कोशिश करेंगे। हाई, दिस साइड प्रिय रंजन एंड यू आर वॉचिंग ट्रेडर्स ड्रीम। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हमारा मिशन है इंडिया के सभी रिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री टू एक्सपोर्ट राइस इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय वियतनाम, थाईलैंड, चाइना एंड पाकिस्तान। और एलटी फूड्स, जो कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, इंडिया के अलावा लगभग 65 देशों में अपने प्रोडक्ट को सर्व करती है, और चूंकि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टरों में से एक है और ये दावत का प्रेजेंस लगभग 65 अलग अलग देशों में है, तो इस बात से ये समझ में आता है कि जब भी एक्सपोर्ट्स इंडिया के अंदर से बढ़ेगा तो डायरेक्ट बेनिफिशरी दावत भी होगी। और लगभग पिछले 6 महीने से 1 साल के डाटा को देखें तो जो भी एक्सपोर्ट का डाटा है उसमें लगभग 30% के आसपास का इजाफा दिखा है, और एलटी फूड्स में यूरोपियन देशों से स्ट्रांगली डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बात करें एलटी फूड्स की, तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 2320 करोड़ के आसपास का है और ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। एलटी फूड्स मुख्य रूप से मिलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करती है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड राइस का, साथ में ही राइस फूड प्रोडक्ट्स को भी डोमेस्टिक के साथ साथ एब्रॉड मार्केट में भी मार्केटिंग करने का काम करती है। अगर बात करें एलटी फूड्स का, तो ये एक बकेट ऑफ राइस है जिसके अंदर अलग अलग कई राइस आते हैं, जैसे व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, बॉइल्ड राइस, स्ट्रीम राइस, क्विक कुकिंग राइस, जैसे मल्टीपल वेरिएंट टाइप ऑफ राइस इस कंपनी के अंदर आते हैं। जिस प्रकार से इस कंपनी के पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ राइस हैं, उसी प्रकार ये कंपनी कई कंपनियों को ऑन करती है, जैसे दावत, रॉयल, इकोलाइफ, 817 एलिफेंट, इंडस वैली जैसे कई प्रमुख ब्रांडों को ये कंपनी ऑन करती है, जिसमें से दावत और रॉयल एक फ्लैगशिप कंपनी है, एक फ्लैगशिप ब्रांड है इस कंपनी का, जो कि लीडरशिप के पोजीशन पे है। अगर बात करें मार्केट शेयर की, तो 50% के आसपास का मार्केट शेयर यूएस में ऑन करती है, वही अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में लगभग 35% के आसपास के मार्केट शेयर को ये कंपनी ऑन करती है। एलटी फूड्स लिमिटेड के जो ब्रांड हैं रॉयल और दावत, वो बासमती राइस के अंदर लीडरशिप के पोजीशन पे है, इंडिया के अंदर लगभग 27% के मार्केट शेयर को ऑन करती है, वही बात करें अगर यूएस के, तो वे यूएस के अंदर लगभग 50% मार्केट शेयर को ऑन करती है। बात करें अगर रिवेन्यू प्रोस्पेक्टिव से, तो लगभग 37% के आसपास की रेवेन्यू अमेरिका से आती है, वहीं 35% के आसपास का रेवेन्यू इंडिया से आती है और 14% के आसपास का रेवेन्यू यूरोप से आती है। यूरोप में रिसेंटली बहुत ही हाईली डिमांड में है बासमती राइस का। बात करें अगर इस कंपनी के अंदर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटरों की होल्डिंग लगभग 57% के आसपास है, वहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात करें तो वो 1% के आसपास है, वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग 3.5-3.5% के आसपास है। डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिली है, वहीं अच्छी बात यह है कि जहां आज से 2-3 क्वार्टर पहले प्रमोटरों की होल्डिंग की लगभग 2.5% होल्डिंग प्लेस थी,
वहीं अब जीरो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज के साथ कंपनी पूर्ण रूप से प्लेज से बाहर आ गई है। वहीं बात करें अगर एलटी फूड्स लिमिटेड कंपनी के रिटर्न की, तो 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 200 से ज्यादा का रिटर्न दिया है, लगभग 210% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल में भी कंपनी ने लगभग 220% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर 3 साल के रिटर्न का, तो 3 साल में कंपनी ने -20% के आसपास का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट प्राइस अभी 72 रुपये के आसपास चल रहा है, वहीं इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगभग 110 रुपये के आसपास का बनाया हुआ है। करेंटली इस कंपनी का डिमांड यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। कंपनी का इबिटा सेल्स और ईपीएस ऑल टाइम हाई पे है, वहीं कंपनी का प्राइस अभी भी ऑल टाइम हाई से लगभग 35% नीचे 70 के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। इस कंपनी का बुक वैल्यू कंटिन्यूअसली 2 सालों से बढ़ते हुए दिख रहा है। साथ ही इस कंपनी का डिमांड अक्रॉस द इंडिया कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए दिख रहा है। इसीलिए अगर टेक्निकली भी इस चार्ट को देखें, तो जहां 72 रुपये के आसपास के प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, वहीं 55 के आसपास का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांगली बनाए हुए है। तो अगर आपने पहले से इस कंपनी को होल्ड कर रखा है, तो 125 से 30 के प्राइस के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर आपने बाइंग नहीं करा हुआ है तो इस कंपनी को 72 रुपये के आसपास के प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में इस कंपनी का पीई लगभग 20 के आसपास हुआ करता था। वहीं अगर इस कंपनी के पीई की बात करें, तो करेंट में इस कंपनी का पीई लगभग 8 के आसपास है, और ये 8 के पीई पे आपको मिल रहा है। ये एक आइडियल बाइंग हो सकती है, और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने में ही ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके एक नया हाई बनाएगी। तो अगर आपने इस कंपनी को पहले से होल्ड नहीं किया है और अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो इस मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं 125 से 30 के टारगेट के लिए। साथ ही इस कंपनी में 55 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि ये राइस के प्रोडक्ट को बनाती है और बेचती है, और राइस एक एसेंशियल प्रोडक्ट है। इसीलिए इस कंपनी का डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसका बेनिफिशरी कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी का जो करेंट प्राइस चल रहा है, इसमें गैप नजर आते हुए दिख रहा है, जिसके कारण इबिटा सेल्स ईपीएस कंटिन्यूअसली ऑल टाइम हाई पे है, और ये प्राइस करेंट मार्केट प्राइस अभी भी ऑल टाइम हाई से लगभग 30% नीचे ट्रेड हो रहा है। इसीलिए इस कंपनी को 72 के आसपास बाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी स्टॉक को सेल बाय और होल्ड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछ लें। थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट एपिसोड में।